जितने भी बच्चे नीट्स का एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2023 में, उनके लिए काफ़ी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है। और जैसा कि मैंने बता दिया था कि NTA की साइट पे चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो JEE वाले बच्चों को पता चल गया होगा। और नीट्स के रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आ रही है मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बच्चे नए हो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करके रखें। और बात करते हैं कि जो भी बच्चे अपडेट क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उससे पहले सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं डेली की डेली वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंट ला रहा हूँ आपके लिए डेली डेली, चाहे वो JEE से रिलेटेड हो, चाहे IT, IIIT, NIT, ISER, NISER, CBS, और हालांकि नीट्स तक कोई मैंने कवर कर रखा है, CBSE की बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं मैंने आपको बता रखी हैं। तो आप प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। अपडेट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि NTA की साइट पर चीज़ें अपडेट हुई थी, जिससे आपका जो JEE मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी के बीच में भरे जाने वाला है। और आपके जो JEE मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन है, फर्स्ट सेशन का एग्जामिनेशन है, वो 24 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक होने वाला है। एंड सेकंड सेशन का एग्जामिनेशन वो 6 से 12 अप्रैल के बीच में होगा। आपको बता देता हूँ कि जो नीट्स का एग्जामिनेशन है, मैंने बताया था कि एक आर्टिकल में आया हुआ था कि एग्जामिनेशन 7 मई को होने वाला है, तो जी हाँ, वो मैंने कहा था कि इस पर भरोसा मत करिए, क्योंकि वो आर्टिकल फेक वेबसाइट से आया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो एग्जामिनेशन जो नीट्स का है वो 7 मई को होने वाला है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से, जो बच्चे ड्रॉपर हैं। एंड नीट्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट कर दूंगा आपको। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।